वे मशहूर क्रिकेटर बन रहा है टीम इंडिया का कोच। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए अप्लाई किया है। इसके बाद से ही उन्हें मुख्य कोच के पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। गावस्कर का मानना है कि शास्त्री इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। गावस्कर ने कहा, 2014 में रवि शास्त्री के दौर में ही टीम इंडिया में बदलाव आना शुरू हुआ। इंग्लैंड से हार के बाद बीसीसीआई ने उन्हें टीम का निदेशक बनाया। अचानक वक्त के साथ साथ भारतीय टीम में बदलाव नजर आने लगा। अब जब उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो शायद उन्हें ही यह पद दिया जाएगा। एक इंग्लिश समाचार चैनल से बातचीत में गावस्कर ने कहा, इस दौर में वीरेंद्र सहवाग हैं, टॉम मूडी हैं, जिन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ काफी अच्छा काम किया है। जी बेशक कई अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन रवि शास्त्री के पास अनुभव है। रवि टीम के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, उनका टीम के साथ तालमेल अच्छा है। मुझे लगता है कि सीएसी किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देगी जिसके साथ टीम सहज महसूस करती है। इससे पहले रवि शास्त्री 2014 से 2016 तक भारतीय टीम के निदेशक थे। इस दौरान टीम ने कई कामयाबियां हासिल की। वह वर्ल्ड कप 2015 और वर्ल्ड डर्टी बीस इंटरनेशनल के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके बाद उन्होंने 2016 में कोच पद के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके स्थान पर कुंबले को चुन लिया गया। इस बीच भारतीय टीम के कोच की घोषणा 10 जुलाई को होगी।